वैसे तो यार देखने में ना बकरे का गुर्दा लग रहा है, लेकिन नहीं कहते अंदर हैं कि अंदर खाएगा ना देखते हैं खोल के। माशाल्लाह लोगों के पास पैसा बहुत है यार, देखें कितनी गाड़ी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल भी एंड हो गया गाड़ी में, उसके बाद चलेंगे भाई, कुछ पता नहीं होता। माशाल्लाह लोगों के पास पैसा बहुत है यार, देखें कितनी गाड़ी खड़ी है। भाई फुल हो गई है टंकी, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया भाई। वहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं, ये असल मुन्ना भाई गुजिया वाले, तो ये बहुत मशहूर हैं यहाँ के। ये सामने रखी हुई ट्रे में गुजिया, ये आपको सामने जो है वो गुजिया दिख रही होगी, ये जो ऊपर ट्रे में पड़ी हुई है, और ये एक स्वीट्स की दुकान है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, हम मुन्ना भाई गुजिया वाले जो बहुत मशहूर हैं यहाँ पे, कहाँ पे, कौन से जगह, कुरंगी नंबर 6 पर हम लोग यहाँ आ गए हैं मुन्ना भाई गुजिया वाले के पास, और इन्होंने हमें जो है वो गुजिया दी है। आपको हम दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये इस तरह से जो है ना गुजिया जो है ना वो रैप करके देते हैं, हमने तो एक ही मंगवाई है। वैसे तो यार देखने में ना बकरे का गुर्दा लग रहा है, लेकिन कहते हैं कि अंदर खाएगा ना इसको पता लगेगा। हाँ भाई अब खाएंगे तब पता चलेगा, तो अब हम खाते हैं इसको, थोड़ा सा मिठास में आता है ये स्वीट, खाने के बाद जो है ना वो मीठा तो खाना चाहिए ना, खाने के बाद की डिश है ये, तो हमने कहा ये भी चख लेते हैं भाई। किसी ने बड़ी तारीफ की थी भाई मुन्ना भाई गुजिया वाले का जो है ना गुजिया, ये गुजिया आपको मैंने दिखा दिया ये है, तो इसको हम ट्राई करेंगे, फिर बताते हैं आपको क्या चीज़ है भाई इसके अंदर डला हुआ, क्या है ये क्या चीज है इसके अंदर, घी है इसके अंदर, बस घी नजर आ रहा है भी जस्ट मिठाई है ये, ये कुछ है डोला वाला, इस पर गिर रहा कुछ है, ये मेवा वाला अखरोट है भाई, ये अखरोट है। इधर हम पूरा खोलेंगे भाई इसको, ये है ना मेवे टाइप की है, इसमें कुछ चीज ड्राई फ्रूट जैसी, लेकिन सोन हलवा भी है भाई इसके अंदर हल्का सा, तो ये अलग सी एक मिठाई है, बहुत ही अलग है, आम जैसे हम लोग खाते हैं उससे अलग ही है, लेकिन है अच्छा मजेदार है। इसका नाम है गुजिया, ये शॉप असल इसी नाम से मशहूर है, मुन्ना भाई गुजिया वाले से। खैर अब तो ख़त्म भी हो गई है, आप लोग देख देख के मजा लें, बस हम खा खा के मजा ले रहे हैं।